अशोकनगर की कजराई का यह पुल यूं तो अशोकनगर जिले के दो कद्दावर नेताओं के क्षेत्र में है, यहाँ के सांसद केंद्र में है, इसके अलावा यहाँ के विधायक राज्य में मंत्री हैं, मगर यहाँ विकास इतनी धीरी रफ्तार से चल रहा है कि जरा सी बारिश लोगों को जहाँ का तहाँ खड़ा कर देती है। 4 दिन से ये कजराई का पुल पानी में डूबा हुआ है, लोगों के आवागमन के साधन बंद हैं, मगर निर्माण की ऐसी धीमी गति यहाँ चल रही है कि बार बार कहने के बाद भी इसे पूरा नहीं कर पाया और जिम्मेदार हैं कि इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। ऐसे में बीते 3 दिन से हुई लगातार बारिश के बाद कजराई का यह पुल फिर से जलमग्न हो गया है और लोगों को इधर का उधर खड़ा कर दिया है। लोग कहते हैं कि निर्माण की गुणवत्ता भी बहुत ख़राब है, कई जगह दरार या दूसरी क्षतिग्रस्त चीज़ें भी दिखाई देने लगी हैं जो पानी उतरने के बाद और सलीके से देखने को मिलेंगी। लोगों का कहना है कि इतने जिम्मेदार और बड़े लोग होने के बाद भी बिल्कुल कछुआ रफ्तार से चल रही विकास की यह गति पता नहीं कब जाकर रफ्तार पकड़ेगी और ये पुल का काम पूरा हो पाएगा। इन तमाम सारी विसंगति और बदतर हालात के बीच एक और शर्मनाक बात यह है कि अपनी ज़रूरतों के लिए जान जोखिम में डालकर इस पुल को जब लोग पार करते हैं तो उसके लिए भी इन्हें पैसे देने पड़ते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुल पार कराने के लिए संगठित तौर पर यहाँ एक काम चल रहा है और बिना पैसे लिए उनको पार पुल नहीं कराया जाता। शिवजीत यादव, कहाँ के रहने वाले? खोरीबारी पिपराई के पास। क्या परेशानियाँ आ रही हैं? बहुत परेशानी आ रही है, मतलब ऐसे अब ज़्यादा पानी रहता है तो मौत का खतरा रहता है, मतलब किसी भी वक्त पता नहीं रहता। अब अर्जेंटी में जाना होता है तो जरूर जाते हैं, अब इसमें ये भी पता नहीं, मतलब हो सकता है बाइक भी भेजा और उसके साथ अपन भी भेजा, अगर जहाँ पर लोग मौजूद नहीं रहे थे तो एक बाइक भेज गई थी उससे बचाया, मतलब जो लोग यहाँ पर खड़े थे। ऐसी ऐसी परेशानी आ रही है, मतलब मौत को मुट्ठी में लेकर यहाँ से बाहर निकलती हैं। यहाँ से जो विधायक हैं हाँ राज्य मंत्री जी हैं, हाँ वो भी यहीं के हैं, उन्हें सोचना चाहिए, बहुत साल हो गई। मतलब और कौन से नेता हैं ऐसे अपने सांसद के पी डॉक्टर साहब हैंगे, इन्हें भी सोचना चाहिए, मतलब क्षेत्रीय विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास पर। इसी क्षेत्र से? हाँ इसी क्षेत्र से हैं, भरोसल्ला से हैं, तो उन्हें भी आने जाने में परेशानी होगी, या उनके गाँव को गाँव वाले भी आते होंगे, पूरी पिपराई आती है यहाँ से, क्षेत्र जितना भी अपने अशोक बहुत गांव है यहाँ से, लगभग पूरे समझ लो अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट जिला में आने की हर किसी को जरूरी रहती है। अशोकनगर एक अपना जिला है तो वहाँ हर किसी को आना जाना रहता है। सुनील अहरवाल, कहाँ के रहने वाले? कजराई। ये बताइए ये जो पुल है ये कौन सी नदी है? ये और नदी है, और नदी कजराई घाट। ये जो पुल है ये कब से निर्माण कार्य चल रहा है और अधूरा क्यों पड़ा हुआ? सर 5 साल हो गए यानी, और 5 साल से ठेकेदार भाग गए, दो साल हो गए हैं, दो साल से ठेकेदार भाग गए यहाँ से, बहुत परेशानी यहाँ था साहब। क्या परेशानी है जी? कभी मोटरसाइकिल भैया भी को डर लगता है और बाहर निकलने में परेशानी, बाहर आवे जावे में परेशानी। दो दो दिन यहाँ लेडीज बैठी रही थी नई रोड पर, अब संजय के पेट्रोल पंप पर सो दो तीन लेडीज है, तीन चार गाड़ी द्वारा, तो लोग परेशान होते हैं, निकल नहीं पाते हैं। अभी पुलिया चढ़ी हुई है तब भी लोग निकल रहे हैं, क्या करें? अभी ये थोड़ी थोड़ी अब निकल रहा है, मुंडी दिखा जाते हम निकल था। अच्छा, और कम पानी में, कम पानी में मोते हाथ में लेकर निकल रहे हैं। सूरज सिंह अहरवाल, कहाँ के रहने वाले? पिपराई। अच्छा, ये बताइए ये कौन सी नदी है? ये है और नदी है, ये कजराई घाट बोलते हैं इससे। अभी भी इस पर पानी चढ़ा हुआ, फुल डैमेज हो गया, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? अभी निकलने में दिक्कत हो रही है, वाहन वाले निकल नहीं पा रहे, एक एक मोटरसाइकिल से तीन तीन व्यक्ति निकाल रहे हैं, एक एक खींच के। 2 दिन से भी टोटल रास्ता बंद था, आज ही खुला है। अच्छा। इसकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती है, 4 साल से डला है पुल, ऐसा बंद। डैमेज हो गया है तो खतरा नहीं है? खतरा है, पूरा खतरा है इस पर, जान जोखम में डाल के निकल रहे हैं लोग। वहाँ यहाँ के मंत्री जी हैं वो भी कुछ नहीं कराते, ना विधायक कुछ कराते। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे जो है ये जो निकलवाते हैं तो इसके कोई पैसे वैसे लगते हैं निकलने के? 5 रुपये नहीं, कुछ ये गांव वाले थोड़े लेते हों तो ठीक है, लेकिन हमसे तो ऐसा मौका कभी नहीं आया सर। अच्छा, ठीक।